subscribe the unique academy's youtube channel and press the bell icon for latest updates and videos hello friends welcome to the unique academy in today's current affairs decoded session myself shivaji kade wishes you a very good morning so today we are going to look after the in 19th july important articles here in the first news they are talking about the Study that has been conducted recently about the fault lines in Himalaya. तो यहाँ पे हम लोगों को geography के साथ इसको connect करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने plate tectonics theory पढ़ा है। You remember the plate tectonics theory? तो यहाँ पे अगर आप को याद होगा, तो they have given that there is a main central thrust. तो so, these are very important aspects of the prelim and mains aspects जहाँ पे Indian plate इज सबसाइडिंग अगेंस्ट द यूराशियन प्लेट तो यह सारा आपको एन सी आर टी में दिया जा रहा है वी आर जस्ट ब्रीफिंग हियर अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू धिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स न्यूज तो इंडियन प्लेट इज सबसाइडिंग बिलो द यूराशियन प्लेट एंड हिंस इट इज क्रिएटिंग सम ट्रूमर्स और इट इज शेकिंग द Region in this particular area, and hence they are calling that this type of uh, movement of the plates are creating seismographic activities or tremors, or that we can call it as a earthquake if they are in a larger intensity. So recently they have done this seismic reflection data and had studied that in the recent period of time, whatever the. Uh, अर्थक्विक दैट हेज़ बीन एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया मे बी करेटेड विद दिस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन दैट हैज बीन डेवलप इन द हिमालयन रीजन तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पता होनी चाहिए जैसे कि ए पी सेंटर क्या होता है लोकस क्या होता है उसके बाद में सिस्मोग्राफ तो अभी हम लोगों ने देखा सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है उसमें अर्थक्विक के अलग अलग व्यूज कौन से होती है पी वेव कौन सी होती है एस व्यवस् क्या होती है प्राइमरी सेकेंडरी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कौन फर्स्ट आता है एक्सपीरियंस होता है एपिसेंटर सेंटर पे या सरफेस पे दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी नो अलग अलग टाइप के स्केल भी होते हैं रिक्सर्च स्केल एक होता है जो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी मेजर करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दे आर डिसकसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज अ प्लिया बार्गेनिंग क्या नाम है इसका प्लिया बार्गेनिंग एंड अगर आप देखोगे तो रिसेंटली तबलीकी जमात नेम्ड वन ग्रुप uh, और से पीपल बिलोंगिंग टू सम पर्टिकुलर फेथ अक्रॉस द वर्ल्ड हैज केम टू द इंडिया फॉर डूइंग द रिलीजियस ड्यूटीज

तो ये क्या होता है प्लिया बार्गेनिंग तो सिंपल है कोई भी पर्सन अगर सिविल या क्रिमिनल केस में नोट दिस पर्टिकुलर फैस बोथ इन द सिविल एंड क्रिमिनल चार्जेस अगर उसको चार्ज uh, किया गया है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन और हैव अ एक्चुअली अ प्रोविजन और अ फैसिलिटी टू निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन फॉर द लेसर पनिशमेंट एंड हिंस बाय प्लीडिंग गिली फॉर द लेस सीरियस ऑफेंसिस ना मतलब जो भी ऑफेंस आपके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने लगाया है उससे थोड़ा सा कम सीरियस ऑफेंस को आप गिली प्ली कर दो एंड हिंस देर विल बी अ बार्गेन बिटवीन द एक्यूजर एंड एक फाइन विल बी गिवन और सम पनिशमेंट विल बी गिवन विच इज ऑब्वियसली ऑफ द लेसर एक्सटेंड क्योंकि आपने लेसर एक्सटेंड को ही गिल्टी माना है एंड इन दैट पर्टिक्युलर केस क्या हो जाएगा आपका जुडिशरी विल बी इट विल बी वेरी इजी फॉर जुडिशियरी टू डिसाइड ऑन दर्टिक्युलर केस क्योंकि प्रोजिक्यूशन मतलब एक्यूजर एंड एक्यूज दोनों भी ज्यादा देर तक केस लड़ना नहीं चाहते तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज हैविंग अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवांटेजेस इन द केस लाइक इट विल गिव अस अ स्पीड ट्रायल जैसे आप लोगों ने अभी देखा इससे अनसर्टेनिटी भी दूर हो जाएगा जो केसेस uh, में रहता है पर्टिकुलरली देखो यहां पे ये सारी चीजें दी है आपको लिटिगेशन की कॉस्ट सेव करेगा पार्टीज को रिलीव करेगा फ्रॉम द एनजाइटी तो ओवर क्राउडिंग ऑफ रीजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ सर्विस सेज दैट मोर नंबर ऑफ पीपल इन इंडियन जेल्स और अंडर द जुडिशल कस्टडी आर द पीपल हु आर अंडर ट्रायल्स कच्चा कैदी जिसको बोला जाता है एंड दिस इज क्रिएटिंग एन ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रीजन्स एंड अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ये कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के सिचुएशन के बाद में भी जब फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की गई तो इट वॉज हाईली इंपॉसिबल इन टू इंडियन प्रीजेंस बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रीजेंस तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट बिकॉज दैट पर्टिकुलर क्राइम वॉज नॉट वेरी सीरियस क्यू क्योंकि उसके कुछ कंडीशन दिए हैं जो हम थो थोड़ी देर के बाद में देखेंगे लेकिन इस केस में हम लोग क्या देखेंगे अगर उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाता है वो पर्टिकुलर पर्सन को बाय पेइंग सम फाइनलिटी और बाय स्पेंडिंग सम टाइम स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम इन द कस्टडी दैट पर्टिकुलर पर्सन विल स्टार्ट इट्स नाइफ एज ए न्यू तो कौन से ऐसे चार्जेस है जिसमें इसको अलाउड नहीं किया जाता है तो जनरली वी विल से दैट द सीरियस चार्जेस फॉर एग्जाम्पल एनी चार्जेस अंडर विच देर इज एन इम्प्रिजनमेंट अबाउ सेवन ईयर्स एंड मोर या लाइफ सेंटेंस डिक्लेयर किया गया है या जिसमें आप देखोगे तो कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर किया है जैसे कि डेथ सेंटेंस या एनी पर्टिकुलर क्राइम विच हैज हैपन्ड अगेंस्ट द वूमन और द चिल्ड्रन बी अल फोर्टीन ईयर्स ऑफ द एज तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आप प्लिया बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते सो दीज आर द डिफरेंट फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आप देखोगे तो दिस इज आल्सो देयर इन अवर लॉ बुक्स कैसे तो पहले नहीं हुआ करता था टू थाउजेंड सिक्स के पहले लेकिन लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने उसको आ, बताया गया था और उस अकॉर्डिंगली टू थाउजेंड सिक्स में सी आर पी सी में अमेंडमेंट हुआ एंड देन इट हैज़ बिन इंट्रोड्यूसड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ इंडिया तो नाउ इट्स वेरी गुड concept to use it to reduce the burden on the judiciary also and a lot of other aspect now this is an article related to chabal rail project which was recently uh, iran's decided not to pursue india further and started its own uh, development of the rail -veiling. so we have discussed this particular issue a uh, couple of times earlier also but this is a very very Comprehensive article about that whole issue. So, I will suggest that you should go through this particular article in detail and you should try to write this particular question that we have put on our Telegram channel. So, this is our Telegram channel, you can come and visit anytime and find out such type of more questions. Also, we discuss this type of uh, questions and many more things in our weekly current affairs batch.

एंड यू कैन कंटिन्यू द फर्दर डिस्कशंस इसमें हम लोग वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं उसके साथ साथ वी डू लॉट ऑफ एम सी क्यू प्रैक्टिस ऑन द टेलीग्राम चैनलो वी डू सम राइटिंग प्रैक्टिस एंड वी एक्चुअली स्टार्ट विदरी डे हिंदू एनालिसिस दैट इज वॉट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच इज सो दो इंटरेस्टेड कैन कम एंड विजिट और कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक तो रिसेंटली देखो ये सी बी एस ई ने क्या किया है दे हैव रिड्यूज द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर टू थर्टी परसेंट क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन के बाद लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हो चुके हैं एंड दो स्कूल्स आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इट्स जस्ट अ बिगिनिंग सो लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स आर नॉट दैट मस टेक्नोसवी और कॉम्पिटिटिव और इन दिस ऑनलाइन पर्टिकुलर मोड तो टीचर्स भी अभी अभी सीख रहे हैं नई नई चीजें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी डिफिकल्टीज है एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट इज चैलेंज फॉर लॉट ऑफ पीपल इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रूरल एरिया तो इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर सेमिस्टर में या ईयर में थर्टी परसेंट सिलेबस कम किया जाएगा ऐसा सी बी एस ई का कहना है लेकिन कौन सा सिलेबस कम किया जाएगा उस के बारे में थोड़ा सा डिबेटेबल इश्यू है बिकॉज वेन दे हैव रिड्यूज सिलेबस ऑफ चैप्टर्स इन द केस दे हैव ओमिटेड सम ऑफ द चैप्टर्स लाइक दिस तो सोशल साइंसेस में सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी नेशनलिज्म सिटीजनशिप फेडरलिज्म या फिर इकोनॉमिक्स के अंडर में अगर आप देखोगे तो जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन के इफ़ेक्ट्स, दीज आर द टॉपिक्स that has been omitted from the syllabus and some of the sections of the society from the educational fraternities are criticizing this particular action saying that these are the very important chapters or these are the very important educational principles and values that has to be inculcated into the students while they are into the formative stages because these are going to create the Behavioral patterns or these are going to create the characters of our future generations. So, our education system, which actually uh, criticized to be focusing more on the contents-based learning, it should be more looked toward competency-based education or experience learning, and hence such type of chapters should not be omitted. But the point is that what should be omitted, this is a very very sensitive issue here. But the point is that NCRT. दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उन्होंने एक फ्रेमवर्क uh, बना दिया जाता है उनकी तरफ से करिकुलम फ्रेमवर्क हर साल के लिए एंड उसको जनरली सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं सी बी एस ई स्टेट बोर्ड्स या आई सी एस ई बहुत सारे बोर्ड्स वो फॉलो करते हैं अकॉर्डिंगली लार्जली फॉलो इट सम कंटेंट डे मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस और सम ऑफ द कंटेंट डे डू नॉट चूज ये टेन ट्वेंटी परसेंट वेरिएशन चलते रहता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट जो हर एग्जामिनेशन बोर्ड करता है बट लार्ज एन का सिलेबस या करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो किया जाना दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो ऑनलाइन एजुकेशन या एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं रिसेंटली तो ये भी एक चेंज आप आपके एग्जाम के दृष्टि से इसको ध्यान में रखना सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड in this today's particular current affairs decoded session so we are meeting daily with lot of news and articles and analysis from the hindu and indian express so stay tuned on our youtube channel for the more details thank you